तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप में से किसी ने सोचा है कि बटरफ्लाई के, ठीक है, तितलियों के जो विंग्स हैं उनमें ये ब्रिलियंट कलर्स कहाँ से आते हैं? ठीक है, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बहुत ब्राइट ब्लू कलर है और इसका कलर भी इस एरिया में और इस एरिया में चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो टिप है, ठीक है, जो आउटर एज है विंग्स के, वहां पर थोड़ा ब्राउन का शेड है। तो ये जो ब्रिलियंट कलर्स हैं ये कैसे आते हैं? तो इसको पहले हम थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे का जो रीजन है वो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, तो अगर हम बटरफ्लाई के कलर्स की बात करते हैं, देन बटरफ्लाइज गेट देयर कलर्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। पहला सोर्स होता है कि एक ऑर्डिनरी कलर होगा, मतलब ये जो कलर है हो सकता है ये किसी केमिकल की वजह से आ रहा हो। ठीक है, कम्स फ्रॉम नॉर्मल केमिकल्स दैट एब्जॉर्ब सर्टन वेवलेंथ्स एंड रिफ्लेक्ट अदर्स। तो कुछ ऐसे केमिकल जो वाइट लाइट की कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और बाकियों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ना कि प्लांट्स हरे होते हैं, पत्ते हरे होते हैं, क्यों? क्लोरोफिल। तो मतलब है कि क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये जो कलर्स हैं जो केमिकल्स की प्रेजेंस से आते हैं उनको कहेंगे ऑर्डिनरी कलर। जो दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट है आज का, दैट इज स्ट्रक्चरल कलर्स। तो जो स्ट्रक्चरल कलर्स हैं दैट इज ड्यू टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के, बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उनके स्ट्रक्चर की वजह से उनका कलर होता है। ठीक है, तो विंग्स के भी स्ट्रक्चर होते हैं। आपको देखने में तो सिंपल पंख लगता है, पर उस विंग का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्ट्रक्चर कैसा है वो भी उसके कलर्स को डिसाइड करता है। और ये कलर शिफ्ट हो सकता है, अगर कलर भी शिफ्ट होता जाए, मतलब कलर भी चेंज होता जाए, जैसे कि आप मूव कर रहे हैं तो आपकी मूवमेंट के साथ अगर कलर चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड इरिडिसेंस। ठीक है, इस इफेक्ट को बोलते हैं इरिडिसेंस। जैसे आपने देखा होगा कि पीकॉक, दैट इज मोर में इस तरह के इफेक्ट मिलता है। ठीक है, उसके जो विंग्स हैं उनका कलर भी बहुत ब्राइट होता है। सोप बबल्स हैं, ठीक है, सोप बबल्स के लेयर के ऊपर आपको काफी ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो दैट इज ऑल ड्यू टू इरिडिसेंस। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो स्ट्रक्चरल कलर्स हैं ये कैसे आए और एक्चुअली बटरफ्लाई की विंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, यहां पर ये विंग है जो पहले इसका कलर कुछ, तो यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए यहां पे ये जो बटरफ्लाई विंग है, जैसे हम जूम इन करते जा रहे हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर यहां पर डिफरेंट है। ठीक है, देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अब हम कितने डिस्टेंस पे आ गए हैं। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4 माइक्रोमीटर। तो ये जो होल है ये बेसिकली 1 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, अब अगर हम इस इमेज को, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, अगर इसको हम कलर दें तो ये कैसा लगेगा? देखिए, कलर देने का मतलब यहां पर ये है कि जब आप स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपिक के थ्रू या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के थ्रू, देखिए अब यहां पर हम कलर देख सकते हैं। ये कलर हमें जिस माइक्रोस्कोप या जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम देख रहे हैं उसके थ्रू तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम देखने के लिए लाइट को यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लाइट, जो विजिबल लाइट है उसके थ्रू नहीं देखता, ये इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपको इमेज दिखाई देती है। इसीलिए इन इमेजेस का कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता है। पर अगर साइंटिस्ट इसको कलर दें, ठीक है, एक फॉल्स कलर कि जैसा आपको दिखाई देगा लाइट की प्रेजेंस में, तो ये वाला पार्ट ग्रीन होगा। ठीक है, और अब जूम आउट कर रहे हैं हम, तो ये वाला जो पार्ट है वो ब्लैक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये वाले जो विंग स्ट्रक्चर में पार्ट थे ये ग्रीन कलर के थे और ये वाले ब्लैक कलर के हैं।
तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो डिफरेंट है। इसके स्ट्रक्चर में लाइंस जैसी हैं और इसके स्ट्रक्चर में जो होल्स हैं वो ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है। तो इन माइक्रोस्ट्रक्चर्स की वजह से ही बटरफ्लाई के विंग्स को ये ब्रिलियंट कलर्स मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो देख के आपको कुछ चीजें तो समझ आई होंगी, ओके। तो अब जो चीज आपको नहीं समझ आई होगी, दैट इज कि हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है या हमें बटरफ्लाईज के बारे में बताया जा रहा, बायो की क्लास चल रही है। तो देखिए, अब बटरफ्लाई के जो विंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है, कलर्स है, उनको समझने के लिए हम कहां पर गए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गए ना, स्ट्रक्चर के लेवल पे गए। मतलब जब तक हम किसी चीज का स्ट्रक्चर अच्छे से ना समझ लें, हमें उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज का ज्ञान नहीं मिलता, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कंपाउंड को, केमिकल को, उसकी प्रॉपर्टीज को समझना है तो आपको उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ठीक है। और कोई चीज कितनी छोटी हो सकती है, स्ट्रक्चर अल्टीमेटली जाके कहां पर रुकेगा, एटॉमिक लेवल पे, ठीक है ना। क्योंकि सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे डे टू डे लाइफ में जो छोटी से छोटी चीज है, दैट इज एटम, ठीक है। तो अब एटम की बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का समझ आ गया ना कि स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर को समझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझ ही नहीं आएंगी, ठीक है। तो प्रेजेंटली अगर हम एटम्स की बात करें तो आई थिंक एक कोट यहां पर बहुत ही सूटेबल फिट होगा। तो एटम्स की बात करें तो क्या हम एटम्स को देख सकते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों के अमंग्स कि सर एटम को देखना पॉसिबल है या एटम कैसा दिखता होगा। अभी तक आपने एटम को कैसे पढ़ा कि एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखे हैं। पर रियलिटी में एटम देखने में लगता कैसा है, ठीक है ना। कभी कभी ये थॉट तो आता होगा, कभी कभी तो आता होगा बचपन में। अब ये इमेज आपके सामने यहां पर है, ये बेसिकली क्या है, ये जो आपको ब्लू कलर के ये दांत जैसे लग रहे हैं, ये क्या है बेसिकली, दीज आर आयरन एटम्स। इस इमेज में हमारे पास 48 आयरन एटम्स हैं जो कि एक सर्कल में रखे गए हैं, ठीक है, प्लेस्ड ऑन कॉपर सरफेस। किसके सरफेस पे, कॉपर, ठीक है। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये बेसिकली कॉपर का सरफेस है और इसके ऊपर एक एक आयरन एटम रखा गया है। मतलब एटम्स इस तरह के दिखाई देंगे अगर आप उनको ग्रुप्स में देखते हो या एक एक एटम को उठा के दूसरे सरफेस पे आप रखते हो तो कुछ ऐसी इमेज आपको दिखाई देगी। तो ये मत सोचना कि जब हम एटम्स को देखने की ट्राई करते हैं तो हमें कुछ स्फेरिकल चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत स्फेरिकल नेचर होती है, थोड़ी बहुत, पर एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होती, ठीक है, जब हम उनको देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एटम्स इन द कन्वेंशनल वे। तो जैसे आप सोचते हो कि हम एटम्स को देख पाएंगे लाइट से, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है उससे भी छोटा है एक एटम, ठीक है, या ऑलमोस्ट उसके भी बहुत छोटी वेवलेंथ के कंपैरिजन में होगा या उससे भी छोटा होगा। तो लाइट को यूज करके एटम को देखना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप कितना भी अच्छा माइक्रोस्कोप ले आओ, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, पर हम लाइट को यूज करके एटम को देख ही नहीं सकते। तो जिन टेक्नोलॉजीज के साथ हम एटम्स को थोड़ा बहुत देख सकते हैं या समझ सकते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनसे हमें एटम कुछ ऐसा दिखाई देता है, एक सरफेस पे दूसरे सरफेस को, दूसरे एटम को रखा गया है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, क्या है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपिक। ये आप ये आगे जाके पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो STM मेथड के थ्रू हमें इस तरह की इमेजेस एटम की मिलती हैं, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों दिखते हैं, ये कैसे हमने 48 आयरन एटम्स को यहां पर रखा, ये अभी हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि एटम्स को हम नॉर्मल लाइट के थ्रू
कन्वेंशनल तरीकों से नहीं देख सकते, और एटम को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जैसे कि बटरफ्लाई को उसके कलर्स को समझने के लिए हम उसके विंग्स के स्ट्रक्चर को समझ रहे थे, वैसे ही एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटम के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंटली आप अपनी अपनी स्क्रीन पे क्या देख रहे हो, एटम्स। आप किस चीज से बने हो, एटम्स। ठीक है, और देख क्या रहे हो, एटम्स। तो आई थिंक हम ये बात तो भूल ही सकते हैं ना कि वी आर अ बंच ऑफ एटम्स वॉचिंग अ बंच ऑफ एटम्स ऑन अ बंच ऑफ एटम्स। ठीक है, तो साइंस के थ्रू अगर लाइफ को देखा जाए, इट्स वेरी वियर्ड।